हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रताप पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल इन पढ़ाई में एडीजी। एंड आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्लास नाइन्थ एंड टेंथ के लिए, इलेवन ट्वेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो है किस तरीके से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर में आर्टिकल राइटिंग की टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, देखते हैं उसको। तो बेसिकली अगर हम आर्टिकल राइटिंग से शुरुआत करें, आर्टिकल राइटिंग की बात करें, तो सबसे पहले जो चीज़ लिखने वाली है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को आप किस अलाइनमेंट में रखेंगे, हमेशा सेंटर अलाइनमेंट में रखेंगे, यानी कि जो आपकी जो आपका पूरा बॉडी, आपका जो पूरा पेज का जो सेटअप आपने प्लान किया हुआ है, आप क्या करेंगे उसके टॉप सेंटर पे सब्जेक्ट को लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बाई, यानी कि आर्टिकल लिख कौन रहा है। बाई के बाद जो भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई नाम प्रोवाइड किया गया है कि आप इस तरीके से अमित कुमार हैं, उमेश, रमेश, कुछ भी हैं, तो आपको क्या करना है जो है वहाँ पे वही नाम मेंशन करना है। अगर नहीं है तो आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है बाय के बाद नाम, फिर इसके बाद क्या करना है, अगली चीज़ है बॉडी। अच्छा, कुछ लोग जो है प्रेफर करते हैं कि आर्टिकल राइटिंग में डेट का भी मेंशन होना चाहिए, आर्टिकल राइटिंग में जो है प्लेस का भी मेंशन होना चाहिए। हालांकि जो है ये सब नेसेसरी नहीं है, ये सारी डिटेल जो है नेसेसरी डिटेल्स नहीं है, आप बिना इनके भी जा सकते हैं। और एक और बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग सोर्स की भी बातें करते हैं कि आर्टिकल राइटिंग में सोर्स का भी होना ज़रूरी है। तो ऐसा एक्चुअली में जब न्यूज़पेपर्स में कोई आर्टिकल होता है जो कहीं दूसरे न्यूज़पेपर से लिया गया है, फिर किसी दूसरे सोर्स से लिया गया है, वो उनका अपना सोर्स नहीं होता, तो ऐसा मेंशन कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा माना था कि आप ओरिजिनल कंटेंट को लिख रहे हैं, तो इसलिए आपको सोर्स वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी कि सिंपली कैसे जाएंगे, बाय, फिर उसके बाद जो है नाम, फिर उसके बाद आ जाते हैं बॉडी पे। जैसे मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिया था आर्टिकल राइटिंग का, वो तो हाउ टू इंक्रीज़ योर लर्निंग आउटकम, तो आखिर में अपनी लर्निंग आउटकम को कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। अब आर्टिकल में सबसे पहले जो बेसिकली आप बात करेंगे कि लर्निंग आउटकम क्या है, यानी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, बॉडी के कई हिस्से हो सकते हैं, बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। और फिर उसके बाद क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, यानी जिसे हम क्या कह सकते हैं, मेन बॉडी भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है इंट्रोडक्शन में क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस होल कंट्री हु गो टू स्कूल एवरी डे, इन फैक्ट इफ यू काउंट द कॉलेज गोअर्स टू, देन परहैप्स द नंबर वुड बी इन क्रोर्स, एंड द पर्पज फॉर ऑल ऑफ देम टू गो देयर इज लर्निंग, फॉर सम इट वुड बी मेयरली सम सब्जेक्ट्स एंड फॉर सम इट वुड बी टू लर्न अ ट्रेड। सो इट वॉज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन कि आखिर में लर्निंग क्या है, आखिर में किसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। अब आगे बातें करते हैं कि आखिर में इसके कॉज एंड इफेक्ट क्या है। अनदर क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी ऑफ देम डू यू थिंक रियली गो टू स्कूल और कॉलेज फॉर एक्चुअल लर्निंग, और इन अदर वर्ड्स इफ आई आस्क हाउ मेनी ऑफ देम डू यू थिंक गो टू दैट प्लेस एंड कम बैक विद समथिंग दैट दे हैव लर्न दैट डे, एंड लेट मी टेल यू द आंसर, इट्स रियली अ वेरी फ्यू। बट देन डिड यू एवर वॉन्डर वाई इज इट सो, why only some of them come back with something that they have learned at that place and most of them just go there and waste their time and come back, and I have a valid reason for that, that is either they don't know that how to learn or else they are not interested in. So here actually main I have thought about like ki क्या आखिर में बातें हैं कि किसकी वजह से लर्निंग नहीं होती है, लोग क्या क्या करते हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट की बात मैंने कर ली है। फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं, तो अब फाइनली में चाहिए क्या, आखिर में इस चीज़ को दूर कैसे कर सकते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट टू डू विद देम, देन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज, वेरी फर्स्ट लेट देम नो दैट व्हाट अ लर्निंग कुड डू टू देम एंड हाउ एडवांटेजियस इट इज़ गोइंग टू बी फॉर देम। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्टिमुलेशन ऑफ लर्निंग इन देम, बिकॉज वंस दे आर स्टिमुलेटेड टुवर्ड्स इट दे वुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट लर्निंग देमसेल्व्स। तो यहाँ पे जो है कंक्लूड मैंने कैसे किया है कि किस तरीके से अगर उनको ये पता चल जाए कि लर्निंग जो है उनके लिए क्या कर सकती है, कितनी फ़ायदेमंद है, और फिर एक बार वो क्या होंगे जो है लर्निंग की तरफ स्टिमुलेट होंगे, लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे लर्निंग अपने आप ही उनके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, यानी अपने आप ही वो सीखना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो है लर्निंग आउटकम को क्या किया सकता है, इंक्रीज़ किया सकता है। तो ये तो था आर्टिकल किसके बारे में, हाउ टू इंक्रीज़ योर लर्निंग आउटकम, और आपने जो इसको एक पूरे टेक्निकल तरीके से देखा कि किस तरीके से हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, बाकी की चीज़ें लेफ्ट अलाइनमेंट में, और लेफ्ट अलाइनमेंट में है क्या, सिर्फ बाई,
अमित कुमार, और फिर इसके बाद जो है आपकी बॉडी आती है, और बॉडी के तीन हिस्से, इंट्रोडक्शन, कॉज एंड इफेक्ट एंड कंक्लूजन। यानी आपको इस तरीके से इनको क्या करना है, डिवाइड करके लिखना है, इंट्रोड्यूस करना है शॉर्ट में, फिर उसके बाद जो है बॉडी कॉज एंड इफेक्ट को आपको डिटेल में उसको डिस्क्राइब करना है, और फिर इसके बाद क्या करना है, कंक्लूजन लिखना। और इस तरीके से आपका जो है आर्टिकल राइटिंग एकदम रेडी है, जो कि मैंने एक सैम्पल राइटिंग के साथ भी आपको यहाँ पे दे दिया है। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग पढ़ाई मेड इजी, एंड कमिंग अप नेक्स्ट मैसेज राइटिंग। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप